नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मुंह से बदबू आने के प्रॉब्लम के बारे में। किसी भी वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है, चाहे आपके गले के अंदर बहुत दिनों से सर्दी जमा हो उस वजह से हो सकता है, अगर आपको किडनी में प्रॉब्लम है तो भी आपको ये प्रॉब्लम होने का बहुत चांसेस रहता है। इसके साथ साथ अगर आपके जो गम है वो सड़ जाता है और उसमें पास जमा हो जाता है तो भी आपको ये प्रॉब्लम होता है। और जिनको पायरिया का प्रॉब्लम है, दांत से थोड़ा थोड़ा खून निकल जाता है ब्रश करने के टाइम पे, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं। ये प्रॉब्लम एजेड लोगों में भी हो सकता है, यंग एज में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को से छुटकारा पाने के लिए होम्योपैथ में बहुत अच्छा मेडिसिन मिलता है। दो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। एक है मार्क्सॉल 36, आप दो दो ड्रॉप करके दिन में 2 से 3 बार डायरेक्ट टांग पे ले सकते हो, या तो थोड़ा पानी मिलाकर पी सकते हो, आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। आपके दांतों के अंदर जो कैविटी जमा होता है, जो येलो हो जाता है दांत के साइड में, इसके साथ साथ जो मसूड़ों में सड़न दिखता है उसमें पास जमा हो जाता है, वो भी ठीक कर देगा धीरे धीरे। और जो बदबू आता है वो भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ एक और मेडिसिन आप ले सकते हो, अगर आपके मुँह से बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आ रहा है, क्रियोजोटम 30CH, आप दिन में 2 से 3 बार दो दो ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ये दो मेडिसिन आप 10 मिनट के गैप रखें, दोनों को पीजिए दिन में 3 से 4 बार, धीरे धीरे आपका जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जैसे बात करने के टाइम पे उनको कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्योंकि उनके मुंह से बदबू आता है, मुंह ढक के बात करते हैं। उनके लिए मैं बोलूँगा मेडिसिन के साथ साथ जब भी आप किसी से बात कर रहे हो या तो कहीं पर आप जा रहे हो, मुँह के अंदर एक छोटा सा लौंग डाल के जाइए, आपको जो मुँह का जो दुर्गंध है बिल्कुल 5-10 मिनट के अंदर एकदम कम हो जाता है। आप आराम से सामने वाला जो पर्सन है उससे बात कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ में ये दो मेडिसिन जरूर यूज़ कीजिए, 10 दिन 15 दिन यूज़ कीजिए, देखिए आपका जो प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और इसको थोड़े दिन कंटिन्यू कीजिए, मतलब 20 डेज या 30 डेज कंटिन्यू कीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। तो अगर आप मुझसे पेड या फ्री कंसल्टेंसी चाहते हो तो नीचे दिया हुआ वेबसाइट पर आप क्लिक करो, उधर जाके फॉर्म फिल करो, आप अपना डिटेल्स डालो और बिल्कुल आपको फ्री में कंसल्टेंसी मिल जाएगा।